हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है शुभम और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गीक्स फॉर गीक्स इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में। और ये इंटर्नशिप आपके लिए एक पेड इंटर्नशिप रहने वाली है। साथ ही में यार मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस इंटर्नशिप के टाइम पर आप लर्निंग भी करने वाले हो, लर्निंग करोगे अलग से, उसके लिए भी आपको पैसा दिया जाएगा। उसके बाद आप इंटर्नशिप करने वाले हो, उसके लिए भी आपको पैसा मिलने वाला है, स्टाइपेंड मिलने वाला है। एंड इस सब के बाद आपको परमानेंट जॉब में भी यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जहां पर तो आपको सैलरी मिलने ही वाली है। तो इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो को। ये सारा प्रोग्राम आपके लिए काफी बढ़िया रह सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं सारी डिटेल्स वन बाय वन। सो दोस्तों अभी आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है गीक्स फॉर गीक्स की ऑफिशियल वेबसाइट। यार आप सामने देख भी पा रहे होंगे कि गीक्स फॉर गीक्स इलाइट बैच के बारे में यहां पर बात करी गई है। तो हाँ, गीक्स फॉर गीक्स अपना इलाइट बैच हायर करने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है इलाइट बैच में, अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो आप सामने हेडिंग पर जो टाइटल देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लर्निंग मंथली स्टाइपेंड प्लेसमेंट नो एवर फीस। तो दोस्तों देखो, आपको यहाँ पर सबसे पहले लर्निंग करवाई जाएगी, लर्निंग के टाइम पर भी पैसा मिलेगा, फिर इंटर्नशिप करोगे, इंटर्नशिप भी एक पेड इंटर्नशिप रहने वाली है। एंड जब आपकी इंटर्नशिप खत्म होती है उसके बाद आपको परमानेंट जॉब का भी यहाँ पर ऑफर मिलने वाला है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह से चलने वाला है, अभी हम इसकी सारी डिटेल्स देखते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो लिखा है ना नो फी एवर, इसका ये मतलब है कि इस पूरे प्रोसीजर में रजिस्ट्रेशन से लेकर एंड प्रोसीजर तक, चाहे वो इंटर्नशिप हो या फिर परमानेंट जॉब हो, आपको किसी भी तरह का एक भी रुपए का पेमेंट नहीं करना। तो यार देखते हैं क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल हैं, क्या यार रिक्वायरमेंट है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातों को आज हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी अगर हम हल्का सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ लिखा है व्हाट इज गीक्स फॉर गीक्स इलाइट बैच। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में एक इंटेंसिव 6 महीने ट्रेनिंग मिलने वाली है, और इस ट्रेनिंग के टाइम पर आपको लर्निंग करवाई जाएगी, काफी सारी चीजों के बारे में सिखाया जाएगा जो कि हमारे आईटी सेक्टर में यूज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं पाइथन यूज होता है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको HTML, CSS, JavaScript इन सब चीजों के बारे में सिखाया जाएगा। जो भी टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती है किसी भी टेक जॉब रोल के लिए, उनके बारे में आपको एक इंटेंसिव 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलने वाला है, जहां पर गीक्स फॉर गीक्स एक्सपर्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। और उस टाइम पर आपको यहां पर पैसा भी मिलने वाला है, आपको किसी तरह का पेमेंट नहीं करना, आपको पेमेंट रिसीव करना है सिर्फ। बेसिकली ये वाला पूरा 6 महीने का पीरियड आपके लिए लर्न एंड अर्न पीरियड रहने वाला है, जहां पर आप पढ़ाई करोगे और पैसा भी कमाओगे। इसके बाद बात आती है कि आपका इंटर्नशिप का पीरियड स्टार्ट होता है, जहां पर कि आपको 6 महीने के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम में डाला जाएगा, जहां पर आप अलग अलग टीम के साथ काम करोगे। वो टीम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम भी रह सकती है, कोर्स वीडियो मेंटर्स की टीम भी रह सकती है, कंटेंट की टीम भी रह सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम के टाइम पर किस तरह से परफॉर्मेंस रहा था। उन सब चीजों को इवेल्युएट करने के बाद आपका यहाँ पर इंटर्नशिप अलॉटमेंट बेसिकली होने वाला है। एंड जैसे ही आपका इंटर्नशिप का ये टाइम पीरियड खत्म होता है तो आपको रिव्यू करा जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, और आप परमानेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो इस पूरे ही प्रोसीजर के बाद। सो दोस्तों ये कंप्लीट डिटेल रहने वाली है इस पूरे ही इलाइट बैच के बारे में। लेकिन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि इस इलाइट बैच में आप एंट्री कैसे लोगे, आप कैसे अप्लाई करोगे, तो उसका प्रोसीजर हम देख लेते हैं। तो हम हल्का सा नीचे और स्क्रॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्री टेस्ट। तो ये गेटवे क्या है, यहाँ पर आपका सबसे पहले एक एंट्रेंस का टेस्ट होगा, साथ ही में एंट्रेंस टेस्ट के बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, तभी यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हो। तो यार इसकी डिटेल्स थोड़ा ध्यान से सुन लो। तो यहाँ बोला गया है जो भी स्टूडेंट्स 2020 and 21 के ग्रेजुएट पास आउट हैं, वो इस पर्टिकुलर चीज के लिए, इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है, कि यहाँ पर क्लियरली लिखा भी है देयर आर नॉट एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रजिस्ट्रेशन फीस, आपको किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट नहीं करनी और कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो आप अगर 2020-21 के ग्रेजुएट हो, पास आउट हो, तो अप्लाई कर सकते हो। फिर बात आती है कि यहाँ पर जो सबसे पहले एंट्रेंस का टेस्ट होने वाला है उसका पूरा थीम क्या रहने वाला है, क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये पूरा टेस्ट एक तो पहले 2.5 घंटे का होने वाला है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर MCQ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जहां पर आप एप्टीट्यूड, लॉजिकल, वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, साथ ही में
तीन कोडिंग के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने रहेंगे और उनका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं होने वाला, इजी टू मीडियम होने वाला, ये चीज भी यहाँ पर मेंशनड है। और 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये पूरा ही टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट होने वाला है, तो आप अपने घर बैठे बैठे इस टेस्ट को दे सकते हो, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। बट एक चीज का ध्यान रखना, ये जो टेस्ट है ये 11 सितंबर 2021 को होने वाला है, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसकी तैयारी फटाफट कर सकते हो। और सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि रजिस्ट्रेशन करके रख लो और टाइमिंग का ध्यान रखना, शाम के 6 बजे से लेकर 8:30 बजे आपका ये टेस्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मेंशन है, उसको हम पढ़ लेते हैं बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसका ध्यान आपको अपने टेस्ट के टाइम पर भी रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है जो टॉप 100 परफॉर्मर्स होने वाले हैं, जो एंट्री टेस्ट देने वाले हैं, उसमें जो टॉप 100 होंगे उन्हीं का इंटरव्यू करवाया जाएगा और उनमें से भी 50 को सिर्फ चूज करा जाएगा। सो दोस्तों, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा अपना ये टेस्ट देना। अगर आपको इंटरेस्ट है इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी में, आपको ऐसा लर्निंग प्रोग्राम चाहिए जहां पर, यार मैं ये भी दिखा देता हूं आपको यहां पर क्या क्या लर्निंग प्रोग्राम के टाइम पर सिखाया जाएगा। बिकॉज यार देखो, ये जो चीजें है ना, प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, वेब टेक्नोलॉजी, यार ये चीजें अगर आप कहीं बाहर सीखने चले जाते हो तो उसके लिए आपको मेरे हिसाब से यार 40,000 से 50,000 बड़े आराम से लग जाने वाले हैं अगर आप इन सारी टेक्नोलॉजी को सीखने बैठ जाएं। बट यहां पर आपको गीक्स फॉर गीक्स के एक्सपर्ट पढ़ाने वाले हैं, साथ ही में आपको उसके टाइम पर, लर्निंग के टाइम पर भी स्टाइपेंड मिलने वाला है, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक सो कि आपको मिलने वाली है। तो यार अप्लाई करना और अपना बेस्ट देने का ट्राई करना, जिससे कि आप इस टॉप 50 कैंडिडेट्स में आ सकें और इस प्रोग्राम का पार्ट बन सके। अगर आप इस प्रोग्राम के पार्ट बनते हैं तो यार जरूर से मेरे को कमेंट करके बता देना। और अब हम देखते हैं कि आपको यहाँ पर रजिस्टर किस तरह से करना है। तो देखो यार, आपको यहाँ पर ये टेस्ट लिंक दिखा मिल रहा है, इसके बराबर में कि लिंक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया आपको इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले लॉग इन करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में आपको ये लॉग इन का बटन विजिबल है, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉग इन करो। आपका जो गीक्स और गीक्स अकाउंट है उस पर लॉग इन करो। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले गीक्स और गीक्स अकाउंट क्रिएट करो। और इस चीज में डिले मत करना बिकॉज टेस्ट 11th ऑफ सितंबर को ही है, तो टाइमिंग का भी ध्यान रखना। तो यहां पर जैसे ही आप लॉग इन कर लेते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज रहेगा और आपको यहां पर क्लिक करना है इस रजिस्टर टू कॉन्टेस्ट वाले बटन पर। उसके बाद आप इस फॉर्म को कंप्लीट करवाओगे और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी स्टे सेफ। और एक बात और कह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ के हैं, 2020-21 ग्रेजुएट्स हैं, उन सभी को इस वीडियो को शेयर करो जिससे कि वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर पाए। अगर वीडियो को भी शेयर नहीं करना तो एटलीस्ट उनके साथ इस प्रोग्राम का लिंक शेयर कर देना, जिससे ये अपॉर्चुनिटी यार किसी के लिए मिस ना हो। वीडियो शेयर करना मेरा मोटिव नहीं है, बट यार ये प्रोग्राम के बारे में उनके साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।